डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रमन। मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वर्षफल 2020 के बारे में। शनि जो है मकर राशि में जाएगा जनवरी में, राहु केतु भी इस साल 23 सितंबर 2020 को बदलेंगे, गुरु जो है मकर में जाएगा 30 मार्च को। ये सारे ग्रहों का जो चेंज है ये सभी के जीवन में अलग अलग स्थितियां पैदा करेगा, किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी। बात करते हैं अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन अच्छा लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है, उसको एंजॉय करिएगा। जहाँ तक शादीशुदा जीवन की बात है, कुछ वहाँ तनाव रहेगा, लोग जाएंगे, वकीलों से मिलेंगे, तलाक लेने की कोशिशें होंगी, इस साल आपको हैप्पीनेस नहीं है। ग्रह ही ऐसे बैठे हैं तो उसमें कोई क्या करेगा। जहाँ तक आपकी प्रेम की बात है, आपकी जो लव लाइफ है वो सबसे ज़्यादा ख़राब रहेगी, क्योंकि पंचम भाव बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड है। आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने वाला है, शक रहने वाला है, और आप में से बहुत लोगों के जो प्रेम संबंध है वो ख़त्म हो जाएंगे। करियर की बात करते हैं तो जिनकी राहु की दशा अथवा अंतर चल रहा है उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए नहीं रहेगा। बाकी लोग दूसरों से पिछड़ते जाएंगे और उनके करियर का जो राइज है वो उतना पॉजिटिव नहीं आएगा। स्वास्थ्य की हम जहाँ तक बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी, सीने में जलन आदि की समस्या आपको हो सकती है। खान पान का ध्यान रखिए, शराब कम पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, डॉक्टर के साथ टच में रहिए, कुछ भी हो तो एक दिखा लीजिए। फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट को अवॉइड करिए। फाइनेंस रहेगा, पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब रहेगा, लेकिन कम रहेगा। माइल्ड हम कहेंगे कि ये जो ईयर है माइल्ड है ग्रोथ के मैटर में। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए उपायों की। तो सिंह राशि के जातकों को श्री सूत का पाठ करना चाहिए, आपको इस साल विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। खुद पे भरोसा करेंगे, अपने डिसीजंस को भावनाओं में मत लीजिए, लॉजिकली लीजिए, तो आप सब कुछ कर लेंगे और सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो मित्रों, ये था वर्ष 2020 का राशिफल। मुझे आशा है कि यह वर्ष आप सभी के लिए अच्छा रहे। ग्रह ऐसा नहीं बोलते हैं, ग्रह बोल रहे हैं कि 2020 का जो वर्ष है वो बहुत ही ख़राब रहने वाला है। महायुद्ध की भी आशंका है, और महायुद्ध होगा तो एक रिसेशन आएगा तो काफ़ी चीज़ें जो ऐसी है, रिसेशन ऑलरेडी है, अब जब रिसेशन आएगा तो काफ़ी चीज़ें हैं जो नुकसान करेंगी। बट सुरक्षित रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए। मेंटली अगर आप स्टेबल रहेंगे, भावनात्मक नहीं होंगे, तो यकीन मानिए आप बहुत सारी चीज़ों से पार पा लेंगे, लेकिन जहाँ आप भावनाओं में बैठ तो आप अपने पूरे अच्छे खासे भविष्य का गुड़ गोबर कर देंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ मित्रों, लेकिन इसके पहले मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।